पिछले व्याख्यान में हमने जो श्लोक पढ़ा था उसका एक बार आगे अध्ययन करेंगे। श्लोक नंबर 41। 41। तो ये श्लोक हमने पढ़ा था, इति प्रगल वचो निशम्य ओ गिरीश प्रभावाद आत्मनि अवज्ञाम शिथिली चकार। ये श्लोक था। इति इस प्रकार के प्रगल्भम वचः धृष्टता पूर्ण वचनों को निशम्य सुनकर कस्य वचः मृगाधिराजस्य सिंह के इस प्रकार के वचनों को सुनकर पुरुषाधिराजः पुरुषाणाम अधिराजः मनुष्यों के राजाओं में श्रेष्ठ दिलीप गिरीश प्रभावात प्रत्याहतास्त्रः शिव प्रभावात विफल अस्त्रः। शिवजी के प्रभाव से जिसके अस्त्र विफल हो चुके हैं वैसा दिलीप आत्मनि अपने विषय में अवज्ञाम जो अपराध अपमान का भाव था उस अपमान के भाव को शिथिली चकार छोड़ दिया त्याग किया। यहाँ तक हमने श्लोक था। देखते हैं श्लोक नंबर 42 42 42। अथ द्विचत्वारिंशः श्लोकः। एषः श्लोकः अस्ति। ये श्लोक है 42वां श्लोक आपके सामने है। एक बार इस श्लोक को गा लेते हैं तदनंतरम उसके बाद हम पढ़ेंगे। प्रत्यब्रवीत चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतत्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रम मुमुक्षुन्निव वज्रपाणिः। पुनः वदामि, फिर एक बार बोलता हूँ। प्रत्यब्रवीत चैनमिषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः जडीकृतत्र्यम्बकवीक्षणेन वज्रम मुमुक्षुन्निव वज्रपाणिः। अब इसको इस श्लोक के शब्दों को अलग करते हैं, पदच्छेद करते हैं। तो प्रत्यब्रवीत जो च है, दो बार जो चकार है च, उसमें से एक त आधा तकार निकालेंगे तो रूप होगा प्रत्यब्रवीत च एनम। प्रत्यब्रवीत च एनम एनम म आधा हमने बाहर निकाल दिया तो अब ई बाकी रहेगा। ईशु प्रयोगे प्रत्यब्रवीत चैनम ईशु प्रयोगे प्रत्यब्रवीत च एनम ईशु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्नः। ये स्वतंत्र शब्द है। जड़ी कृतत्र्यम्बकवीक्षणेन ये पूरा एक शब्द है। तीसरी पंक्ति में पूरा एक शब्द है। वज्रम मुमुक्षन मुमुक्षन इव देखिए आधा न और उसके बाद अथवा ई तो न हो जाएगा दो। मुमुक्षन मुमुक्षन इव वज्रपाणि ही इस प्रकार का
पदच्छेद होगा। देख लेते हैं एक बार पदच्छेद। अयम अस्थि पदच्छेद, यह हमारे सामने पदच्छेद है। प्रत्यब्रवीत च एनम इषु प्रयोगे तत्पूर्वभंगे वितथ प्रयत्न जड़ीकृत। यहाँ पे विसर्ग था नहीं। हाँ, श्लोक में एक मिस्टेक रह गई थी, हम सुधार के आपको भेजेंगे। जब आपको भेजेंगे 31 से 45 45 श्लोक तक, तो ये सुधार लेंगे। जड़ीकृत त्र्यंबक वीक्षणे न, तो ये श्लोक का अर्थ अब अलग होगा। वज्रम मुमुक्षन इव वज्रपाणि। अब ये श्लोक हम देखते हैं तो एक क्रियापद है इसके अंदर, क्रियापद है प्रत्यब्रवीत। प्रत्यब्रवीत ये क्रियापद है। प्रति अब्रवीत, प्रति ऐसा उपसर्ग है और अब्रवीत ये क्रियापद है। अब्रवीत का अर्थ होगा उक्तवान, बोला। प्रत्यब्रवीत उसका अर्थ होगा प्रत्युत्तर दिया। प्रत्युत्तर दिया, प्रत्यब्रवीत बोला, प्रत्युत्तरम दत्तवान। अगर कोई दो व्यक्ति है, दो व्यक्ति में से जो पहला बोलता है तो वो अब्रवीत होगा। उसने कहा, उसके कहने के बाद अगर दूसरा उसको कहता है तो वो होगा प्रत्यब्रवीत। एक बोलता है उसके बाद दूसरा बोलता है, तो यहाँ प्रत्यब्रवीत क्रियापद क्यों रखा? सिंह ने बोल दिया। सिंह ने कहा। अब राजा प्रत्यब्रवीत, राजा सिंह को कहेगा प्रत्यब्रवीत। कम प्रत्यब्रवीत, राजा ने किसको कहा, किससे? एनम 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 एतम सिंहम, राजा ने सिंह से कहा। किदृशः राजा प्रत्यब्रवीत, किस प्रकार के राजा ने कहा? तो लिखा है यहाँ पे वितथ प्रयत्नः। वितथ प्रयत्नः, वितथः अर्थात विफलः, प्रयत्न यस्य सः, विफल हुआ है प्रयत्न जिसका, वह राजा। वितथ प्रयत्न एनम प्रत्यब्रवीत, विफल प्रयत्न वाले राजा ने सिंह से कहा। अब विफल प्रयत्न है कुत्र, कस्मिन वितथ प्रयत्न इषु प्रयोगे, इशु प्रयोगे, इशु अर्थात बाण, तीर, तीर के प्रयोग में। राजा ने जब तीर का प्रयोग किया तब वितथ प्रयत्न, उसमें उसका प्रयत्न कैसा रहा? विफल। तो इशु प्रयोगे वितथ प्रयत्न, राजा के इशु यानी बाण का प्रयोग विफल रहा, ऐसे राजा ने सिंह से कहा। कीदृशे इषु प्रयोगे, देखिए इषु प्रयोगे ए, अंत में ए है, तो उसका जो विशेषण होगा वो भी ए ऐसा आएगा। देखिए तत्पूर्व भंगे ऐसा लिखा है, तत्पूर्व भंगे इषु प्रयोगे, तत् उससे पूर्व पहले भंगे, भंग ऐसा शब्द है। तत्पूर्व भंगे, पहली बार जब प्रयत्न किया तब, राजा ने इससे पहले प्रयत्न किया इशु प्रयोग, इशु के प्रयोग करने का, बाण के प्रयोग करने का जब प्रयत्न किया तो वो प्रयत्न कैसा रहा? वितथ प्रयत्न, विफल प्रयत्न वाले राजा ने सिंह से कहा। हाँ, इससे पहले किए हुए प्रयत्न में जो विफल हुआ है वैसा राजा,
अब राजा को उपमा दी है। देखिए सिर्फ ऐसा नहीं कह दिया कालिदास ने, महाकवि कालिदास इतना नहीं कहते हैं कि राजा दिलीप ने सिंह से कहा, यह तो सामान्य वाक्य हो जाएगा। राजा दिलीप ने सिंह से कहा, सामान्य वाक्य काव्य नहीं कहलाता। अलंकृतम वाक्यम अपि काव्ये भवति, काव्य में तो अलंकार भी होते हैं। दिलीप राजा को उपमा दी है यहाँ पे। देखिए उपमावाचक यहाँ शब्द है इव। इव शब्द उपमावाचक है। किसके समान था? राजा दिलीप का अस्त्र प्रयोग विफल हुआ तो भी महाकवि उसको उपमा देते हैं कि किस प्रकार के दिलीप ने सिंह से कहा, तो लिखा है वज्रपाणि ही। देखिए हाँ, वज्र पाणि ही, वज्र एक अस्त्र है, एक अस्त्र का नाम है वज्रम, और वज्र इंद्र इंद्र के पास रहता है। वज्र इंद्र का आयुध है, इंद्र का अस्त्र है, तो वज्रम। और पाणि का अर्थ होगा हाथ, पाणि शब्द का अर्थ होगा हाथ, तो वज्रम पाणौ यस्य सः, वज्र है हाथ में जिसके वह, वज्रपाणि। शिव जी के लिए एक शब्द है शूलपाणि, उनके हाथ में शूल है इसलिए वह शूलपाणि है। इंद्र के हाथ में वज्र है इसलिए वह वज्रपाणि है। तो इंद्र के समान वज्रपाणि ही इव, इंद्र के समान राजा दिलीप। अब राजा दिलीप का प्रयत्न विफल हुआ है, तो इंद्र का प्रयोग भी विफल होना चाहिए, यहाँ पे उपमा दी है ना। तो देखिए यहाँ पे लिखा है वज्रम मुमुक्षन, वज्रम मुमुक्षन, वज्रम अर्थात वज्र जो अस्त्र है इंद्र का, उसको मुमुक्षन, मुमुक्षन यानी छोड़ने की इच्छा करता हुआ, छोड़ने की, प्रहार करने की इच्छा करता हुआ। मुमुक्षा ऐसा शब्द है, मुमुक्षा यानी छोड़ने की इच्छा, मुमुक्षा जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, खाने की इच्छा बुभुक्षा, वैसे छोड़ने की, मुक्त करने की इच्छा मुमुक्षा। मुमुक्षा जिसकी है उसको हम कहेंगे मुमुक्षु, जैसे जिज्ञासा जिसकी है उसे कहेंगे जिज्ञासु, तो मुमुक्षु। और इसके भी रूप चलते हैं, जैसे करोति कुरुतः कुर्वन्ति है, गच्छति गच्छतः गच्छन्ति, रूप बनते हैं, वैसे ये रूप बनता है मुमुक्षति, छोड़ने की इच्छा करता है मुमुक्षति, ऐसा रूप बनता है। अब हम बोलते हैं जैसे गच्छन खादन कुर्वन, वैसे ये रूप बना है मुमुक्षन, गच्छन जाते हुए, कुर्वन करते हुए, खादन खाते हुए, मुमुक्षन छोड़ने की इच्छा करते हुए इंद्र के समान। किसको छोड़ने की इच्छा करते हुए? वज्रम, वज्र को छोड़ने की इच्छा करते हुए इंद्र के समान उस राजा ने एनम प्रत्यब्रवीत, सिंह से कहा। अब देखिए राजा वितथ प्रयत्न है, राजा का प्रयत्न कैसा है? विफल, तो इंद्र का प्रयत्न भी विफल होना चाहिए। राजा भी कैसा हो गया है? स्तब्ध हो गया है, उसके हाथ में जो अस्त्र है वो स्तब्ध हो गया है। न ययौ न तस्थौ, ऐसी परिस्थिति हो गई है। राजा आगे प्रयत्न भी नहीं कर सकता, बाण मार भी नहीं सकता और पीछे खींच भी नहीं सकता, स्टैच्यू की माफिक प्रतिमा के समान हो गया है। तो इंद्र के लिए भी यहाँ शब्द दिया है, देखिए जड़ी कृतः, अ जड़ी कृतः, इंद्र जो जड़ नहीं था, जड़ यानी जो चल नहीं सकता, जिसमें स्पंदन नहीं है, जो अचल है, उसे जड़ कहेंगे। तो ये राजा भी पहले कैसा था? जड़ नहीं था। और इंद्र भी कैसा था? जड़ नहीं था, उसके हाथ पैर चल रहे थे,
और उसको जड़ी कृतः, इंद्र को जो जड़ नहीं था उसको जड़ बनाया। तो यहाँ पे च्वी प्रयोग है, जड़ी कृतः, जो जड़ नहीं था उसको जड़ बना दिया गया। अब वाक्य ऐसा बनेगा, वज्रम मुमुक्षन वज्रपाणि ही जड़ीकृतः इव। वज्र को छोड़ने की इच्छा करता करता हुआ जो इंद्र है, पर कैसा इंद्र, जो जड़ीकृतः इंद्र है, जो स्तब्ध हो गया है, जो जड़ जड़ अर्थात एक वृक्ष की भांति, वृक्ष का यहां से वहां चलन नहीं होगा, उस प्रकार का स्तब्ध हो गया है, उस इंद्र के समान दिलीप ने सिंह से कहा। अब इंद्र केन जड़ी कृता, इंद्र को स्तब्ध किया किसने, तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, त्र्यंबक वीक्षणे न, त्र्यंबक अर्थात शिव, त्र्यंबक शब्द का अर्थ होगा शिव, और वीक्षण इस शब्द का अर्थ होगा दर्शन, देखने से। त्रीणी अंबकानी यस्य सह त्र्यंबकः, जिसकी तीन आंख है, त्रीणी अंबकानी यस्य सह त्र्यंबकः। तो त्र्यंबक क्यों कहते हैं शिव को, क्योंकि उनकी तीन आंखें हैं। और वीक्षणे न, देखिए यहाँ दर्शन करने के लिए त्र्यंबक विशेषण रखा है, क्योंकि शिवजी के समान और कोई व्यक्ति देख नहीं सकता। शिवजी को योग्य अयोग्य का अत्यंत ज्ञान है, भेद पूर्वक ज्ञान है, क्यों, क्योंकि उनकी तीन आंखें हैं। हम सब तो द्व्यंबक है, दो आंख वाले, लेकिन शिवजी त्रियंबक और त्र्यंबक वीक्षणे न, देखिए देखने के लिए जब प्रयोग किया महाकवि कालिदास ने, तो वहां शिवजी के लिए शब्द क्या रखा, त्र्यंबक। जब दिलीप को स्तब्ध करना था तो वहां गिरीश प्रभावात ऐसा लिखा, जो पर्वत के ऊपर शयन करते हैं, अर्थात पर्वत को भी उस उन्होंने अपने वश में रखा है और एक दिलीप को स्तब्ध कर दिया है। तो ये विशेषणों के विषय में भी एक अलग से अच्छा सा संशोधन हो सकता है। तब ये पूरे श्लोक का अर्थ ये हुआ, शिवजी के देखने से जैसे वज्र को चलाने की इच्छा रखने वाला इंद्र जड़ हो गया था, शिवजी ने देखा और इंद्र हो गया जड़, वैसे ही बाण के प्रयोग करने में विफल प्रयत्न वाला अर्थात स्तब्ध हो गया है, जड़ हो गया है, वैसे दिलीप ने एनम सिंहम, सिंह से अब्र प्रत्यब्रवीत कहा, दिलीप ने सिंह से कहा। अब हम पद परिचय देखते हैं, पद परिचय प्रत्यब्रवीत, तो प्रति उपसर्ग पूर्वक ब्रू धातु है, ब्रू बोलने के अर्थ में ब्रू धातु है, और उसके लंग लकार का यहाँ पर प्रयोग किया है, अब्रवीत प्रत्यब्रवीत, लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन, च ये अव्यय है, एनम एतत् शब्द पुल्लिंग में द्वितीया विभक्ति एकवचन, एनम इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे, ये दोनों शब्द समान है, इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे, अकारांत पुल्लिंग, यहाँ प्र लिखा है लेकिन उसको हम ध्यान में नहीं लेंगे, स व सप्तमी एकवचन, ऐसा अर्थ लेंगे, अकारांत पुल्लिंग सप्तमी विभक्ति एकवचन। वितथ प्रयत्न, तो ये राम की समान वितथ प्रयत्न, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, वैसे ही जड़ीकृत, वितथ प्रयत्न जड़ीकृत, अकारांत पुल्लिंग प्रथमा एकवचन, त्र्यंबक वीक्षणेन, ये नपुंसक लिंग का शब्द है, जैसे हम बोलते हैं ना दर्शनम, वैसे वीक्षणम, कस्य त्र्यंबकस्य, त्र्यंबक वीक्षणम, और एन
त्र्यंबक वीक्षणे न, ए न आता है तो वो तृतीया विभक्ति होगी। त्र्यंबक वीक्षणे न, तृतीया विभक्ति एक वचन, वज्रम। ये अकारांत नपुंसक लिंग का शब्द है, वज्रम, वज्रे, वज्राणी। और उसकी द्वितीया विभक्ति एक वचन का शब्द यहाँ पर रखा है, एक वचन का रूप यहाँ पर रखा है, वज्रम। मुमुक्षन, इसमें तकारांत ये शब्द है, मुमुक्षत ऐसा मूल शब्द होगा और उसकी प्रथमा विभक्ति की एक वचन में रूप बनेगा मुमुक्षन, मुमुक्षन, मुमुक्षन्तौ, मुमुक्षन्तः, इस प्रकार का रूप बनेगा। जैसे हम भवान बोलते हैं ना, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, वैसे मुमुक्षन, मुमुक्षन्तौ, मुमुक्षन्तः। इव, इव अव्यय है और वज्रपाणि ही, हरि के हरि शब्द के समान वज्रपाणि शब्द भी चलेगा, हरि ही, वज्रपाणि ही। इकारांत पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन का रूप है, वज्रपाणि ही। ये हुआ हमारा पद नीचे। इदानीं आकांक्षां पश्यामः, का देख लेते हैं क्रियापद क्या है यहाँ पर, प्रत्यब्रवीत। तो उसके साथ हम अन्वय करते जाएंगे, बोला। सबसे पहले प्रश्न होगा कौन बोला, कह प्रत्यब्रवीत। तो लिखा है वितथ प्रयत्न प्रत्यब्रवीत। और अन्वय लेने के लिए, आगे से अन्वय लेने के लिए हमने लिखा है सह, वितथ प्रयत्न सह अर्थात दिलीप प्रत्यब्रवीत, विफल प्रयत्न वाला वह दिलीप बोला। कम प्रत्यब्रवीत, किससे बोला, तो लिखा है एनम, एनम अर्थात सिंहम, दिलीप ने सिंह से कहा। कुत्र, कब, कब, तो लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है कुत्र वितथ प्रयत्न, दिलीप का प्रयत्न विफल कहाँ हुआ, कहाँ पर, स्थानवाचक है कुत्र, कुत्र स्थानवाचक है, लेकिन कभी कभी क्रिया में भी इसका प्रयोग हो जाता है। कुत्र तो हम कहते हैं ना, जब मैं जा रहा था तब, कहाँ, तो जा रहे थे तब अथवा खा रहे थे तब, वैसे कुत्र वितथ प्रयत्न, तो तत्पूर्व भंगे इषु प्रयोगे वितथ प्रयत्न, जब दिलीप ने पहले प्रयोग किया था, किसका, इषु बाण का प्रयोग किया था, उस बाण के प्रयोग में विफल प्रयत्न वाले दिलीप ने एनम प्रत्यब्रवीत सिंह से कहा। अब चौथी पंक्ति जो है आकांक्षा की वो देखते हैं, उसमें लिखा है क इव, किसके समान, दिलीप किसके समान लग रहा था, तो लिखा है वज्रपाणि ही इव, वज्रपाणि ही अर्थात इंद्र, इव इंद्र के समान। कीदृशः वज्रपाणि ही इव, किस प्रकार के इंद्र के समान, तो लिखा है जड़ीकृतः, जो इंद्र जड़ बनाया गया था, जड़ था नहीं, जड़ बनाया गया था, ऐसे इंद्र के समान राजा दिलीप ने एनम अब्रवीत इस सिंह से कहा। केन जड़ीकृतः, छठी पंक्ति में लिखा है केन जड़ीकृतः इंद्रः, इंद्र किससे जड़ बनाया गया, तो लिखा है त्र्यंबक वीक्षणे न, शिवजी की दृष्टि से, शिवजी के देखने से जो इंद्र जड़ बन गया है, ऐसे इंद्र के समान विफल प्रयत्न वाले, इंद्र का प्रयत्न भी विफल हुआ था, हाँ तो विफल प्रयत्न की भी यहाँ तुलना है, इंद्र का प्रयत्न जैसे विफल हुआ वैसे दिलीप का प्रयत्न विफल हुआ, ऐसे दिलीप ने सिंह से कहा। और अंतिम पंक्ति लिखी है किम मुमुक्षन, इंद्र क्या छोड़ने की इच्छा कर रहा था और शिवजी ने उसे जड़ बना दिया, तो हमने लिखा है वज्रम मुमुक्षन, वज्र को छोड़ने की इच्छा रख रहा था इंद्र, और शिवजी के देखने से जैसे इंद्र जड़ बन गया, इस प्रकार के इंद्र के समान
राजा दिलीप ने सिंह से कहा, इंद्र के समान दिलीप ने, देखिए दिलीप का पराक्रम जरा भी कम नहीं है, इसलिए यहाँ इंद्र के साथ उसकी तुलना की गई। इंद्र भी पराक्रमी है, हाँ, और दिलीप भी पराक्रमी है, किंतु शिवजी के देखने से इंद्र को, हाँ, इंद्र को जड़ बनना पड़ा, इंद्र को जड़ बनाया, शिवजी की दृष्टि मात्र से इंद्र जड़ बन गया। वैसे यहाँ दिलीप भी पराक्रमी है, किंतु उसका प्रयत्न विफल हुआ। अब अन्वय देखते हैं। तत्पूर्व भंगे इषु प्रयोगे वितथ प्रयत्न वज्रम मुमुक्षन त्र्यंबक वीक्षणेन जड़ीकृतः वज्रपाणि इव एनम प्रत्यब्रवीत च, उससे कहा। पदार्थ, अब तीनों भाषाओं में पदार्थ प्रायः हमने ये समझ ही लिया है, फिर भी एक एक शब्द का क्या क्या अर्थ होता है वो देख लेते हैं। तत्पूर्व भंगे अर्थात आदौ कृते, जो पहले किया गया था, गुजराती में पहली बार थयेला, इषु प्रयोगे बाण प्रयोगे, बाण प्रयोग में दिलीप ने पहली बार बाण का प्रयोग किया था। अब हम ये नहीं कहेंगे कि पूरी दिलीप ने अब तक सिर्फ एक बार ही बाण का प्रयोग किया, नहीं, किसी सत्व के ऊपर, सत्व अर्थात प्राणी के ऊपर दिलीप ने बाण प्रहार नहीं किया था पहली बार, वो भी गाय के ऊपर विपत्ति आई तो, इसलिए लिखा है आदौ कृते बाण प्रयोगे निष्फल। राजा दिलीप जो निष्फल हुआ था, ऐसे राजा दिलीप ने वज्रम अर्थात तदाख्यम अस्त्रम, उस नाम वाले अस्त्र को मुमुक्षन क्षिपन फेंकते हुए त्र्यंबक वीक्षणेन शिव दृष्टिपातेन, शिव की दृष्टि से जड़ीकृत स्तंभित स्तब्ध हुए वज्रपाणि ही अर्थात इंद्र, इंद्र के इव समान समान राजा ने एनम अर्थात सिंहम सिंह से प्रत्यब्रवीत कहा। अब तीनों भाषाओं में इसका भावार्थ भी देख लेते हैं। प्रथम वारम विफले जाते बाण प्रयोगे निष्फल वज्रम क्षिपन शिवस्य दृष्ट्या स्तब्धः इंद्रः इव राजा दिलीपः सिंहं प्रति उक्तवान। पहली बार जो अस्त्र फेंका था उसमें राजा दिलीप विफल हुआ, तो इंद्र जैसे शिवजी की दृष्टि से वज्र को फेंकने में, फेंकते हुए जड़ हो गया था, स्तब्ध हो गया था, उस प्रकार के, हाँ, इंद्र के समान राजा दिलीप ने सिंह से कहा, प्रतियुक्तवान, सिंह से कहा, सिंह ने जो बोलना था वो बोल दिया, अब राजा सिंह से कहेगा। पहली बार किए हुए बाण के प्रहार में विफल शिव की दृष्टि से वज्र को फेंकते हुए स्तब्ध इंद्र के समान राजा दिलीप ने सिंह से कहा। पहला करेला बाणना प्रहार मा निष्फल, वज्र ने फेंकी रहेला तथा शिवजी नी दृष्टि थी स्तब्ध थयेला इंद्र नी समान राजा दिलीपे सिंह ने कह्यू। इदानीं व्याकरणस्य यह भागः अस्ति, तं पश्यामः। व्याकरण का भाग देख लेते हैं। इस श्लोक का समासः, इषु प्रयोगे, इषु प्रयोगे बाण के प्रयोग में, हम के ऐसा हिंदी में लेते हैं तो षष्ठी विभक्ति होगी, गुजराती में बाण ना प्रयोग मा तो नोनी नूना आवे छे तो त्यां षष्ठी थाय छे, तो इषु प्रयोग अर्थात षष्ठी तत्पुरुष समास, बाण ना प्रयोग मा इषु प्रयोगे तत्पूर्व भंगे स एव पूर्वः भंगः यस्य असौ तत्पूर्व भंगः, पहली बार जिसने प्रयोग किया था, वैसे, तो ये बहुव्रीहि समास होगा। वितथ प्रयत्नः, वितथः प्रयत्नः यस्य असौ अथवा यस्य सः, वितथ प्रयत्नः विफल हुआ है प्रयत्न जिसका वह, बहुव्रीहि जड़ीकृतः
यहाँ देखिए, न जड़ह इति अजड़ह, जो जड़ नहीं था वो अजड़, अजड़ह जड़ह संपाद्यमानः अकारी इति जड़ीकृतः। यहाँ पर समास नहीं होगा, यहाँ पर च्वी लिखा है, च्वी प्रयोग है। जो जड़ नहीं था उसको जड़ अकारी जड़ बनाया। इंद्र प्रयत्नवान था, प्रयत्न कर रहा था, जड़ नहीं था, वैसे इंद्र को शिव जी की दृष्टि मात्र से जड़ बना दिया गया, इसलिए च्वी। त्र्यंबक वीक्षणे न, तो देखिए पहले तो हमने त्र्यंबक शब्द को देखना है। त्र्यंबक, त्र्यंबकानि यस्य सः त्र्यंबकः, तीन आंख है जिसकी वह। इसी प्रकार से हम चतुर्भुज शब्द को देखते हैं। हाँ, चतुर्भुज, चार हाथ है जिसके वह। तो ऐसे शब्दों में बहुव्रीहि समास होगा। और त्र्यंबकस्य वीक्षणम्, त्र्यंबक वीक्षणम्, त्र्यंबकस्य वीक्षणम्, त्र्यंबक वीक्षणम्, शिव की दृष्टि, शिव दृष्टि। तो यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास होगा। और अंत में है वज्रपाणि, वज्रम पाणौ यस्य सः वज्रपाणि, वज्र है जिसके हाथ में। तो जिसने, जिसके, ऐसा जो प्रयोग होता है वहां पर बहुव्रीहि समास सामान्य तौर पर रहेगा। अब संधि है, संधि ही प्रत्यब्रवीत चैनमिषु प्रयोगे, ये बहुत बड़ा संधि है। इसमें हम देख लेते हैं पहले प्रति और अब्रवीत, प्रति और अब्रवीत, उपसर्ग और धातु के बीच में हमेशा संधि रहेगी। ऐसा नियम है कि उपसर्ग और धातु के बीच में नित्य संधि होता है। तो प्रति का इकार है, अब्रवीत का अ है, ई और अ मिलाकर यह होगा। तो प्रति अब्रवीत, प्रति अब्रवीत, प्रति अब्रवीत, प्रत्यब्रवीत, प्रत्यब्रवीत, ये रूप बनता है। अब प्रत्यब्रवीत के अंत में त है, हलंत त, आगे च है, आगे च है, तो त के आगे च है, तो आधे त का हो जाएगा च। तो प्रत्यब्रवीत चैन, चुनाश्चुः, ऐसे सूत्र से यहाँ पर श्चु, हाँ श्चु का जो भाव होता है, श्चुत्व संधि, चकार अथवा शकार होता है, तो यहाँ पर चकार हुआ है। प्रत्यब्रवीत चैनम। अब एनम, इस शब्द को हम जोड़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं च, चकार में अ है, च ऐसा बोलते हैं तो अकार बाकी रहेगा, और एनम, एनम से आगे ए है, तो अ प्लस ए, तो यहाँ पर वृद्धि रेचि, इस सूत्र से वृद्धि हो जाएगी, तो ए का हो जाएगा ए। तो क्या हुआ, प्रत्यब्रवीत चैनम, ऐसा हुआ। और अंत में है इशु प्रयोगे, ए नम का म है, इशु प्रयोग का ई है, तो एनम इशु प्रयोगे वर्ण का, वर्ण का मेलन हो गया, म और ई मी हो गया। आगे है जड़ीकृतस त्र्यंबक वीक्षणेन, देखिए यहाँ जड़ीकृतस त्र्यंबक स आना चाहिए, यहाँ भी नहीं है। जड़ीकृतस त्र्यंबक वीक्षणेन, तो जड़ीकृत विसर्ग है, त्र्य त्र्यंबक का भी, उसमें भी आगे त है, हम देखते हैं अगर अलग अलग करके, तो त्र्य त्र्यंबक त आगे रहता है, तो विसर्ग के बाद त होगा, तो हो जाएगा विसर्ग का स, तो हुआ जड़ी कृतस त्र्यंबक वीक्षणेन विसर्जनीयस्य सह, इस सूत्र से। और मुमुक्षन्निव, ऐसे हमने आगे भी देखा था, मुमुक्षन आधा न है, और आगे अगर अ ई आदि आते हैं, यहाँ पर ई है, तो एक न का दो न हो जाएगा। तो मुमुक्षन का आधा न और इव, ये दोनों को मिलाकर मुमुक्षन्निव, ऐसा संधि यहाँ पर हो।
छंदः पूर्ववत, यहाँ पर छंद आगे के समान है। क्रुदंतः, यहाँ पर क्रुदंत, मुच, सन, शत्रु, ये तीन शब्द लिखे हैं। देखिए, मुच मुच है वो धातु है, छोड़ने की इच्छा, मुक्त करने की इच्छा में मुच धातु है। सन ऐसा लिखा है, सन प्रत्यय है। आपके सामान्य ज्ञान के लिए मैं बता देता हूँ, जहां पर इच्छा करनी हो, जैसे जानने की इच्छा जिज्ञासा, कर्तुम इच्छा चिकीर्षा, भोक्तुम इच्छा बुभुक्षा, पानी पीने की इच्छा है तो हम उसे पिपासा कहेंगे, और मोक्तुम इच्छा मुमुक्षा। तो यहाँ पर जैसे सा सा, हाँ, इच्छा आती है, जिज्ञासा, चिकीर्षा, बुभुक्षा, पिपासा, जिगमिषा, गंतुम इच्छा, जिगमिषा, जाने की इच्छा, तो वहां पर सन ऐसा प्रत्यय रहता है। तो यहाँ पे मुमुक्षुन में मुच धातु में सन है, और बाद में शत्रु प्रत्यय लगा है। गच्छन, खादन, जो आधा न रहता है ना, गच्छन, खादन, हसन, पिबन, वैसे यहाँ पर मुमुक्षन, वो शत्रु प्रत्यय। तो ये हुआ वर्तमान, कृदंत। अलंकार, उपमा दी गई है। हाँ, हमने पहले ही समझ लिया था इसको, इंद्र के समान। वितथ प्रयत्न राजा, स्तब्ध इंद्र इव, ऐसा हमने कहा है। तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा, राजा को इंद्र के समान कहा गया है। सिर्फ पराक्रम से नहीं, विफल प्रयत्न में भी इंद्र के समान। तो ये हुआ उपमा अलंकार। और यहाँ पर ब्रू, वक्तायाम वाची, इस धातु के रूप दिए गए हैं। तो लट, लिट आदि लकार में इसके रूप दिए गए हैं, और अंत में है संजीवनी। संजीवनी टीका। अस्तु, तो ये इति कवि कुल गुरु कालिदास कृतौ रघुवंश महाकाव्ये द्वितीय सर्गे द्विचत्वारिंशः श्लोकः। यहाँ पर हमारा ये श्लोक, 42वां श्लोक समाप्त होता है। आगे श्लोक देखते हैं, त्रिचत्वारिंशः, श्लोक नंबर 43। शेयर कर रहा हूं। हमारे सामने है अब ये श्लोक, त्रिचत्वारिंशः श्लोकः। श्लोकम वदामि एकवारम, श्लोक बोल लेते हैं। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्व सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये। पुनः वदामि, संरुद्धचेष्टस्य मृगेन्द्रकामं हास्यं वचस्तद्यदहं विवक्षुः अन्तर्गतं प्राणभृतां हि वेद सर्वं भवान् भावमतोभिधास्ये। एक बार इसके इन इस श्लोक के पदों को अलग करके देखते हैं, पदच्छेद। संरुद्ध चेष्टस्य मृगेन्द्र कामम हास्यम, अब आगे जो शब्द है उसमें से कुछ शब्द अलग होंगे। वचस तद्यदहम, तो यहाँ जो सकार है बीच में, बीच में जो शकार है उसका हो जाएगा विसर्ग, तो होगा वचह। वचह, ये शब्द अलग हो गया। अब हमारे सामने है तद्यदहम। तद्यदहम, तो तद, हाँ, तद ये शब्द अलग होगा। तद्यदहम में से तद अलग होगा, यद अलग होगा, तो तद यद, ये दो शब्द अलग हुए।
और उसके मूल हम देखेंगे तो तत् और यत् तकारांत होगा। तत् तो आधा त है, यत् उसमें भी आधा त है, और अकार बाकी रहा तो अहम ऐसा शब्द इसमें से निकलेगा। तो ये वचस्तद यद अहम जो है उसमें से वचः तत् यत् अहम ये चार शब्द अलग होते हैं। फिर है विवक्षुः, अंतर्गतम्, प्राणभृताम्, ही, वेद, सर्वम्, भवान। ये जो पूरा शब्द है भवान भावमतो विधास्ये, इसमें से हम कुछ शब्दों को अलग करते हैं। भवान भावम, भावमतो है ना, वहां से हम म को आधा कर लेंगे, भवान भावम। अब आधा म करते हैं तो अकार बाकी रहेगा, तो अकार हम लेंगे तो होगा अतो। अब मैंने आपसे पहले कहा था, अगर आपको याद हो तो, ये जो ड ड के समान दिख रहा है उसे हम अवग्रह कहेंगे। ड के समान जो है उसे कहेंगे अवग्रह। अब जहां पर अवग्रह एक हो तो वहां हम एक अकार लेंगे। अवग्रह को हटाकर एक अकार लेंगे। अगर दो अवग्रह है तो वहां पे आ लेंगे आकार। तो अलग हो जाएगा। अवग्रह के आगे अगर ओकार है तो उस ओकार को हम कर देंगे विसर्ग। दो बिंदी होती है उसको विसर्ग कहते हैं। तो देखिए, भवान अलग किया, भावम ये अलग हुआ, अतो अतो का जो ओ है उसे हम कर देंगे विसर्ग, तो रूप हो गया अतः। और अवग्रह के स्थान पे हाँ एक अवग्रह है तो हमने रखा अ, तो अभिधास ये। हाँ, इस प्रकार से हमने पदच्छेद किया। अब देखते हैं कि हाँ क्या इसी प्रकार से पदच्छेद हुआ है। संरुद्ध चेष्टस्य, मृगेन्द्र, कामम, हास्यम, वचः, तद, यद, अहम्, विवक्षुः, अंतर्गतम्, प्राणभृताम्, ही, वेद, सर्वम्, भवान्, भावम्, अतः, अभिधास्ये। इस प्रकार से पदच्छेद हुआ। अब हमारी पद्धति के अनुसार ही हम पहले क्रियापद देखेंगे इसमें से, और क्रियापद देख लिया तो आधा श्लोक हो गया। इसमें क्रियापद है वेद, एक क्रियापद है वेद, और दूसरा क्रियापद है अभिधास्ये, वेद और अभिधास्ये। वेद वेद ये विद धातु का रूप है, विद धातु। इसका अर्थ अगर हम दूसरा अर्थ करें तो अर्थ होगा जानाति। वेद का दूसरा अर्थ होगा जानाति, जानते हो। जानाति, जानते हो, कौन किससे कह रहे हैं कि जानते हो? तो यहाँ पे एक शब्द लिखा है, देखिए, भवान, भवान वेद, भवान जानाति, तुम जानते हो। अब कौन बोल रहा है? दिलीप, राजा दिलीप बोल रहे हैं कि तुम जानते हो। तो तुम अर्थात सिंह, सिंह से कह रहा है कि तुम जानते हो। क्या? सर्वम, भवान सर्वम वेद, भवान सर्वम जानाति, तुम सब जानते हो। सब का अर्थ क्या है? सब क्या? तो यहां लिखा है भावम, भवान सर्वम भावम वेद, तुम सब भाव को जानते हो। सब प्रकार के, सर्वम का अर्थ लेंगे सर्वविधम, सभी प्रकार के भावों को जानते हो। अब भावम के लिए एक शब्द और दिया है, अंतर्गतम। अंतर्गतम, तो अब ये वाक्य ऐसा बनेगा, भवान सर्वम अंतर्गतम भावम वेद, तुम सभी प्रकार के, अंतर्गतम यानी मन में जो है,
अंत अर्थात मन गतम, मन में जो तिष्ठ स्थित है, मन में रहे हुए भावम भाव को वेद जानते हो। किसके मन में, यहाँ लिखा है प्राण भृताम, प्राणम बिभर्ति इति प्राण भृत, प्राण को धारण करने वाले अर्थात जीवों के, जो जीव है, जो मनुष्य आदि है, मनुष्य पशु आदि जो भी है, उनके मन में स्थित, मन में रहे हुए सभी प्रकार के भाव को तुम जानते ही हो। भगवान वेद तुम जानते हो। अतः अभिदास्ये, अतः इसलिए, इस कारण से अहम् अहम् अभिदास्ये, अहम् वदिष्यामि, मैं कहूंगा, तुम भले ही मेरे मन के भाव को जानते हो, फिर भी मैं कहूंगा, मेरे मन के भाव को भले ही तुम जानते हो, फिर भी मैं कहूंगा। ये हुआ तीसरी और चौथी पंक्ति का अर्थ। अब हम आगे देखते हैं, पहली और दूसरी पंक्ति तो बाकी रह गई। राजा कहता है, हे मृगेंद्र, ये संबोधन है, हे मृगेंद्र, हे सिंह, हे मृगों के स्वामी, पशुओं के स्वामी। इंद्र का अर्थ स्वामी होगा, हाँ, राजा। तो मृगों के पशुओं के राजा स्वामी को कहेंगे मृगेंद्र। हे मृगेंद्र, हे मृगेंद्र, कामम, भले ही, यहाँ पर कामम का अर्थ होगा भले ही, वचः, वचः अर्थात वाक्य, वचन, हास्यम, हास्य करने योग्य, उपहास के योग्य हो। हे मृगेंद्र, समृद्ध चेष्टस्य अर्थात मेरे, मम, ऐसा अर्थ लेंगे यहाँ पर, समृद्ध चेष्टस्य का अर्थ लेंगे पहले मम, मम दिलीपस्य वचः वाणी वाक्य कामम, भले ही हास्यम, हास्य योग्य हो, हास्य करने योग्य हो। अब समृद्ध चेष्टस्य का अर्थ देखते हैं। समृद्धा चेष्टा यस्य सह समृद्ध चेष्टः, रोक ली गई है चेष्टा, चेष्टा अर्थात क्रिया, जिसकी वह, दिलीप, जिसकी क्रिया रोक ली गई है, ऐसे मेरे वाक्य भले ही हास्यास्पद हो, भले ही तुम मेरे वाक्य को सुनकर जोर जोर से हंसो। यद तद अहम विवक्षु हूँ, यद यानी जो, तद यानी वह, अहम विवक्षु हूँ, मैं विवक्षु हूँ। देखिए, बोलने की इच्छा को विवक्षा कहेंगे, बोलने की इच्छा को कहेंगे विवक्षा, जैसे जानने की इच्छा को जिज्ञासा, बोलने की इच्छा को विवक्षा, जिसकी इच्छा है बोलने की उसको कहेंगे विवक्षु हूँ। तो जो मैं बोलना चाहता हूँ, तद, यद अहम विवक्षु हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ, तद वचः, वो मेरा वाक्य कामम, भले ही हास्यम, हास्य योग्य हो। हे मृगेंद्र, मेरी चेष्टा रुकी हुई है, और जो मैं बोलना चाहता हूँ, वो मेरे वाक्य भले ही हास्य योग्य हो, और तुम भगवान, तुम प्राण भृताम शरीर धारियों के, प्राण धारियों के, अंतर्गतम सर्वम भाव वेद, तुम सब प्रकार के भाव को जानते हो। अतः अभिदास्ये, हाँ, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ, तुम भले ही सब जानते हो, फिर भी, और मेरा वाक्य हास्यास्पद है, मैं जो बोलने वाला हूँ वो तुम्हें हास्य योग्य लगे, फिर भी मैं जो बोलना चाहता हूँ वो अहम अभिदास्ये, मैं बोलूंगा, अहम वदिष्यामि, ये अर्थ हुआ। अब पद परिचय देख लेते हैं। समृद्ध चेष्टस्य, तो स्य आया, जैसे रामस्य, समृद्ध चेष्टस्य, अकारांत पुल्लिंग षष्ठी एकवचन, मृगेंद्र, हे राम, वैसे हे मृगेंद्र, तो ये हुआ संबोधन एकवचन, अकारांत पुल्लिंग संबोधन एकवचन।
कामम ये अव्यय है, यहाँ पर कामम ये अव्यय है, भले ही इसे अर्थ में। हास्यम, हास्यम अकारांत नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। हास्यम, हास्यास्पदम, हास्य योग्य। वचः, वचस सकारांत नपुंसक लिंग शब्द है, प्रथमा विभक्ति एक वचन। तद, यद, तत् नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन। यद, यत शब्द नपुंसक लिंग प्रथमा एक वचन। अहम अर्थात अस्मत्, अस्मत् शब्द है उसकी प्रथमा विभक्ति एक वचन। अहम, विवक्षु हूँ, ये भी उकारांत पुल्लिंग शब्द है, विवक्षु हूँ, जैसे गुरु हूँ, विष्णु हूँ, वैसे विवक्षु हूँ, उकारांत पुल्लिंग प्रथमा एक वचन। अंतर्गतम, ये अकारांत पुल्लिंग शब्द है, द्वितीय एक वचन। क्यों? क्योंकि भाव का विशेषण है। भावम, अंतर्गतम भावम, अंतर्गतम भावम, सर्वम, ये तीनों शब्द एक समान है, अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एक वचन। प्राण भृताम, तकारांत शब्द है, पुल्लिंग में प्राण भृत, उसकी षष्ठी विभक्ति का, यहाँ बहुवचन है, हाँ एक वचन गलती से लिख लिया है किंतु यहाँ पर बहुवचन है, प्राण भृताम। ही अव्यय है। वेद, ये वेद विशिष्ट रूप है, देखिए विद ज्ञाने धातु के लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन है, वेद, वेद विकल्प से रूप बनता है वेद। सर्वम और सर्वम और भावम, ये दोनों शब्द तो हमने देख लिए, अकारांत पुल्लिंग द्वितीय एक वचन। भवान, ये तकारांत शब्द है, पुल्लिंग प्रथमा एक वचन, अतः ये अव्यय है। अभिधास्ये, अभिधा कर्मणि, कर्मणि प्रयोग है, लृट लकार उत्तम पुरुष एक वचन। अहम अभिधास्ये, अहम वदिष्यामि, इस अर्थ में। इदानीम आकांक्षां पश्याम, आकांक्षा देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं किम हास्यम, हास्य योग्य क्या है, किम हास्यम, हास्य योग्यम किम, तो लिखा है वचः हास्यम, वाक्य हास्य योग्य। कस्य वचः, किसका वाक्य हास्य योग्य है, तो लिखा है समृद्ध चेष्टस्य मम, रोके हुए हाथ वाले, रोकी हुई चेष्टा वाले मेरे वचन भले ही हास्यास्पद हो। किम वचः, तो लिखा है तत् वचः, वह वचन, कौन सा वचन, तो लिखा है तत् वह वचन। किम तत् वचः, वह वचन कौन सा, तो यद अहम विवक्षु हूँ, जो मैं बोलना चाहता हूँ वह मेरा वचन हास्यम, हास्य योग्य, भले ही हास्य योग्य हो। किम वेद, वेद का अर्थ क्या है, जानाति, कह वेद, भवान वेद, कौन जानता है, तुम जानते हो। भवान किम वेद, तुम क्या जानते हो, तो भावम वेद, तुम भाव को जानते हो। किदृशम भावम वेद, तुम कैसे भाव को जानते हो, तो लिखा है अंतर्गतम सर्वम भावम वेद, तुम मन में रहे सभी भावों को जानते हो। केशाम, किसके मन में रहे सभी भावों को जानते हो, प्राण भृताम, प्राण को धारण करने वाले जीवों के सभी प्रकार के भावों को जानते हो। अतः किम, तुम जानते हो तो क्या हुआ, हम कहते हैं ना कि तुम भले ही बंदूक लेकर खड़े हो, वो पिक्चर में आदि हम देखते हैं, फिर भी मैं तो ये करूंगा, मैं ये कहूंगा, तुमसे जो होता है वो कर लो, तो यहाँ भी ऐसा ही है, तुम जानते हो तो क्या हुआ, अतः किम, अतः अभिधास्य, मैं तो बोलूंगा ही, भले ही मेरा वचन हास्यास्पद हो, भले ही तुम सब जानते हो, फिर भी मैं बोलूंगा। हे मृगेंद्र, समृद्ध चेष्टस्य मम तत्वचः कामम हास्यम, भले ही मेरा वचन हास्यास्पद हो, यत अहम विवक्षु हूँ, मैं जो बोलना चाहता हूँ, ही भवान प्राणभृताम अंतर्गतम सर्वम भावम वेद, और तुम सभी प्राणियों के मन में रहे भावों को जानते हो, अतः अभिधास्ये, मैं इसलिए कहूँगा। अब पदार्थ देखते हैं। हे मृगेन्द्र, हे सिंह, समृद्ध चेष्टस्य अवरुद्ध प्रहारस्य, प्रहार को अवरुद्ध किए हुए
मेरा तत् अर्थात वक्ष्यमाणम, मैं जो बोलने वाला हूँ वह वचः वचनम कामम भवतु नाम भले ही हास्यम हास्यास्पदम हास्यास्पद हो हास्य करने योग्य हो, मेरा वचन सुनकर तुम भले ही हसो। यत अहम विवक्षुः, यत यत वचनम जो अहम दिलीप मैं विवक्षुः वक्तुम इच्छामि कहना चाहता हूँ ही, क्योंकि भगवान तुम शिव भक्त हो। तुम सबके भावों को क्यों जानते हो? सिंह हो इसलिए नहीं, तुम सिंह पशुओं के राजा हो इसलिए जानते हो? नहीं, यहाँ पर लिखा है शिव के भक्त होने के कारण प्राण भृताम देहधारिणाम मनुष्यों के अंतर्गतम मन में रहे, मनसि स्थितम सर्वम भावम, सभी प्रकार के भावों को वेद जानते हो, अतः अभिदास्ये इसलिए मैं कहूंगा। भाव अर्थ लिख लेते हैं। सिंह अवरुद्ध प्रहारस्य मम तत्वचनं भवतु नाम हास्यास्पदम् यदहं वक्तुम् इच्छामि, भवान् शिवभक्तः अतः देहधारिणां मनसि स्थितं सर्वविधं भावं जानाति, अतः अहं वदिष्यामि। हे सिंह, प्रहार रोके हुए मेरे वचन भले ही हास्यास्पद हो, जो मैं कहना चाहता हूँ, तुम शिवभक्त होने के कारण मनुष्यों के मन में स्थित सभी प्रकार के भावों को जानते हो, इसलिए मैं कहूंगा। तुम भले ही जानते हो, मैं कहूंगा। हे सिंह, रोकायेला प्रहार वाला मारा ए वचनो भले हास्यास्पद होई, जे हूँ कहवा इच्छु छु, तू शिव भक्त होवाने कारणे मनुष्यों मनवा रहेला दरेक प्रकारना भावों ने जाने छे, एटले कही। अब व्याकरण, मृगेन्द्र मृगाणाम, इंद्र मृगेन्द्र मृगाणाम, इंद्र षष्ठी तत्पुरुष, नराणाम इंद्र नरेन्द्र, देवानाम इंद्र देवेन्द्र, वैसे मृगाणाम इंद्र मृगेन्द्र। समृद्ध चेष्टस्य, समृद्धा चेष्टा यस्य सह, रोक ली गई है चेष्टा जिसकी वह, बहुव्रीहि अंतर्गतम अंतर मध्ये गतम अंतर्गतम, ये उपपद तत्पुरुष, देखिए यहाँ पर गतम अंत में क्रिया है उपपद तत्पुरुष, प्राणभृताम ये भी उपपद तत्पुरुष है अंत में क्रिया है, प्राणान बिभर्ति इति प्राणभृत उपपद तत्पुरुष। संधि वचस्तद यदहम, ये हमने पहले भी देख लिया था, वचह के सकार को त के साथ, हाँ विसर्ग को त के साथ स कर दिया, तो वचस्तद, तद और यद में जो अंत में दकार है उसको हमने दिया तद्यदहम, और अंत में वर्ण को सम्मेलन तद्यदहम। भवान भाव मतो विधास्ये, भवान भाव मतो विधास्ये, यहाँ पर सबसे पहले भवान और भावम, यहाँ वर्ण सम्मेलन है, भावम अतः यहाँ भी वर्ण सम्मेलन है, भवान भावम अतः अतोभिधाष्ये, अतोभिधाष्ये यहाँ पर विसर्ग का हो गया है ओकार, हसिच सूत्र से उत्व हुआ है विसर्ग का, और आदगुण से गुण संधि हो गया है ओ हो गया है ओ, तो भावमतोभिधाष्ये अतः अभिधाष्ये। छंद तो यहाँ पूर्ववत है, कृदंत क्या है तो लिखा है हास्यम, देखिए पहले तो हास्यम विद्यर्थ कृदंत है, विद्यर्थ कृदंत है हास्य योग्य, जैसे करने योग्य है उसे हम कार्यम कहते हैं, वैसे हंसने योग्य को कहेंगे हास्यम, लिखने योग्य को लेख्यम, पीने योग्य को पेयम। विवक्षुः, वक्तुम इच्छा विवक्षा, सा अस्मिन् अस्ति विवक्षुः, विवक्षुः ये भी कृदंत का सन्नंत का रूप होगा। अलंकार, त्वं सर्वविदं भावं जानासि तथापि अहं वदामि इति विरोधाभास अलंकारः, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार जैसा हमें लगता है, आभास है विरोध नहीं है, तुम सब जानते हो, अगर जानते हो तो मुझे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, फिर भी मैं कहूंगा, तो विरोध का आभास लगता है, लेकिन विरोधाभास यहाँ पर नहीं है,
क्योंकि अगर सिंह नहीं जानता हो तो मेरी तो बोलने की इच्छा है ही, मैं बोलूं या ना बोलूं वैसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फिर भी मुझे जो मैं बोलना चाहता हूं वो बोलूंगा। और तद लक्षणम यथा विरोधः सह अविरोधेपि विरुद्धत्वेन यद्वचः, जहाँ अविरोध हो, वास्तविक विरोध न हो, लेकिन हमें लगे कि विरोध की जैसा लग रहा है, आभास हो, वहां विरोधाभास अलंकार होगा का रूप दिया है धातु का दास्यते दास्येते दास्यन्ते, अभी उपसर्ग पूर्वक दास्य से दास्ये थे दास्यद्वे दास्ये दास्यावहे दास्यामहे। तो एवं अत्र एवं कवि कुल गुरु कालिदास कृतौ रघुवंश महाकाव्ये श्लोक समाप्त भवति। यहाँ पर हमारा ये श्लोक 43 नंबर नो श्लोक समाप्त थाय छे। पुनः वयम शनिवासरे कल मिलते हैं, और कल यहाँ से आगे 45 श्लोक सुधी आपणे काले जोई शकशु, कल 45 श्लोक तक हम देख लेंगे। अस्तु तर्हि एकवारम उपस्थितिम स्वीकरोमि भवतां, तमारी हाजरी पूरी लउ छु। अष्टौ छात्राः सन्ति 8। अस्तु तर्हि अत्र समापयामः। सर्वेभ्यो नमः, जय सोमनाथ।